हम लोग सभी रेडी हैं। अगर मेरा ऋषि ना आता तो हम कहीं दलदल में फंसे होते, ये सत्य है बिल्कुल। अगर वह ना आता तो हम भी कहीं ना कहीं भटक रहे होते। अगर वह ना आता तो यज्ञ के सही स्वरूप को हम ना जान पाते। अगर वह ना आता तो आज हमारी क्या दुर्दशा थी आप जानते हो। और सबसे ज्यादा अगर कहीं दुर्दशा होती तो हम नारियों की ही होती, ये आप सभी जानते। लेकिन आर्य समाज के और स्वामी दयानंद के संसर्ग में जो जो व्यक्ति आता चला गया उसका जीवन परिवर्तित होता चला गया। इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है, सत संगतियों विमल मति से, सत संगतियों विमल मति से, पत्थर मने कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए, सत सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे, एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों चंद।
जैसे हमारी संगति होती है वैसे हम पर असर दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। आपको खींच के लाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी अच्छी आदत आपके अंदर है और पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, धन्यवाद, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको बताने की, वह खुद ही खुद उससे अपने व्यक्तित्व से सीखता चला जाएगा। यही तो हुआ था मेरे ऋषि के साथ में, जो जो उनके संसर्ग में आता गया, जो जो संपर्क में आता गया, वह कुंदन बनता चला गया, वह कुंदन बनता चला गया। ऐसे लिखा, जीवन का कल्याण बरा तो केवल संतों की वाणी में, जीवन का कल्याण बरा तो केवल संतों की वाणी में, ऋषि सूरज की किरणों से मिल कर अगम सिंधु का खारा पानी, सूरज की किरणों से मिल कर अगम सिंधु का खारा पानी, मोती बने कपूर सुगंधित, मोती संगति और विमल मति से, सत्संगति और विमल मति से, पत्थर मने कुंदन बन जाए, नीरस
पत्थर बने कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्संग भगवान की सत संगति और विमल मति से पत्थर भी कुंदन बन जाए। अमी चंद के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन स्वामी दयानंद जी के साथ में आने से, संसर्ग में आने से वह कुंदन बन के आ गया है।